उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 दिन से 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। इन श्रमिकों का तनाव दूर करने के लिए बचाव दल ने उन्हें बोर्ड गेम और ताश उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। अब आपको बता दें कि अधिकारियों ने जानकारी दी कि फिलहाल श्रमिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियान में कई व्यवधान भी आ गए। गुरुवार देर रात सुरंग के मलबे के बीच से पाइप डालने के काम को रोकना पड़ा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई। ड्रिलिंग का काम शुक्रवार सुबह भी शुरू नहीं हो सका। बचाव स्थल पर मौजूद मनोचिकित्सक डॉक्टर रोहित गोंडवाल ने बताया कि हम उनका तनाव दूर करने के लिए लूडो, शतरंज और ताश उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान में देरी हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ समय और लगेगा। सभी 41 श्रमिक ठीक हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और मानसिक रूप से ठीक रहने की ज़रूरत है। गोंडवाल ने यह भी बताया कि चोर पुलिस खेलते हैं, तनाव दूर करने के लिए रोज़ाना योग और व्यायाम श्रमिक करते हैं। इन श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा कि उनका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए और उन्हें आशावान रहना चाहिए। चिकित्सकों की एक टीम प्रतिदिन श्रमिकों से बात करती है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी लेती है। दूसरी तरफ बुधवार देर रात ऑगर मशीन के रास्ते में आए लोहे के गर्डर को काटने में 6 घंटे की देरी के बाद दिन में बचाव अभियान फिर से शुरू होने के कुछ घंटों बाद हालिया बाधा आई, लेकिन उत्तराखंड के चारधाम मार्ग में निर्माणाधीन सुरंग का यह हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर को कई एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया और तीसरी बार है जब ड्रिलिंग का काम रोका गया। अधिकारियों ने कहा है कि बचाव कर्मी मलबे को 48 मीटर तक भेदने में कामयाब रहे थे, हालांकि फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए 10 मीटर का रास्ता तय करना बाकी है। उत्तरकाशी और देहरादून के चिकित्सकों और मनोचिकित्सकों सहित 1 दर्जन चिकित्सकों की एक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि टीम के सदस्य फंसे हुए मजदूरों से नियमित रूप से सुबह कम 30 मिनट और शाम के वक्त इतनी ही देर तक बात करते हैं। अब आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे पर जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया। मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में कहीं भी हादसा क्यों ना हो, उसमें मरने वाला और भुगतने वाला बिहार का ही बच्चा होता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उत्तराखंड में टनल में जो लोग फंसे हुए हैं उनमें 4 या 5 बिहार के बच्चे हैं, उन परिवारों पर क्या बीत रही है। अभी 5-7 दिन पहले सूरत में सेप्टिक टैंक साफ करते हुए बिहार के 5 बच्चों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार को अब कौन पूछने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्घटना देश में कहीं भी हो उसमें मरने वाला बिहार का ही बच्चा होता है, क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपये के लिए सबसे कठिन स्थिति में काम कर रहे हैं। बिहार के लोग वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता और इसकी बड़ी वजह है गरीबी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।